हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स की चाउमीन रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनती है और काफ़ी चटपटी भी होती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों प्रकार के शिमला मिर्च ले लिया है, हाफ हाफ। और सबसे पहले ना हम इसे इस टाइप से हम काट लेंगे। चाउमीन बनाना बहुत ही आसान है और वो बहुत तेज़ी के साथ बनाई जाती है हाई फ्लेम पर। तो इसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेंगे। सारे सब्जियों को हम इस तरह से काट करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रेड शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च ले लिया है और इसको इस तरह से काट लेंगे। अगर आप ज़्यादा उसमें सब्जी डालना चाहते हैं तो और भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों का। यहाँ पे आप बंधा गोभी, कैबिज और गाजर का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक दो से तीन मैंने ले लिया। हरी मिर्ची काट ली है बारीक और एक प्याज लेंगे। और इस तरह से देखिए, मैंने सारी सब्जियाँ को काट लिया है। और यहाँ पे मैंने ना अदरक और लहसुन लिया है 2 टीस्पून, इसको कूट करके लिया है, इसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने सॉस ले लिया है, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। ये चम्मच देखिए थोड़ा सा बड़ा है। और इसी चम्मच से हम लेंगे रेड चिली सॉस 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, और इसे हम लेंगे इसी से टमाटो केचप 2 चम्मच। और इसमें फिर हम मसाले डालेंगे कुछ। और यहाँ पे देखिए, मैंने स्पून छोटा ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है। इस सभी को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से अभी इससे तैयार करके रख लेंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिला लेंगे, उसमें लम्स ना रहे इस तरह से, क्योंकि जब हम उस समय भूनेंगे ना सब्जियों को तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसलिए हम तैयार करके पहले से रख लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए, मैंने पानी को गर्म कर लिया है, पानी खौलने लगा है। तब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। और देखिए, पानी अच्छे से अब बॉयल होने लगा है। तब इसमें हम डालेंगे हक्का नूडल्स, 1 पैकेट मैंने हक्का नूडल्स यहाँ पे लिया है। और उसको हल्के हल्के हाथों से उसको उलटते पुलटते हुए उसे हम इस तरह से पका लेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ ना, मतलब इसको ज़्यादा हम ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, इसको हाथों में लेकर के इस तरह उंगली में अगर आप ऐसे कीजिएगा ना तो अच्छे से फिंगर में ये लिपट जाएगी, तो समझिए वो पक गया है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का ही कुक करेंगे 70% तक। तो उसको निकाल के ठंडे पानी के नीचे हम रख देंगे अच्छे से फैला करके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है 2 बड़े चम्मच, 2 से 3 बड़े चम्मच, और अच्छे से गरम कर लिया है कढ़ाई को। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल करके उसे पहले उसको डाल करके ना उसको थोड़ा सा चटका लेंगे। फिर उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन जो कुटी हुई थी उसे, और उसको चला लेंगे अच्छे से। अब सारी सब्जियों को डाल करके हम ना हाई फ्लेम कर देंगे और उसे हम भूनेंगे। इसको बस हल्का सा ही भूनना है, उसमें उसका जो क्रंचीनेस होता है ना वो थोड़ा सा बचा रहे, इस तरह से हमें उसको भूनेंगे सब्जियों को। अब देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे सारे जो मसाले हमने जो तैयार किए थे ना सॉस वाले, उन्हें भी हम डाल देंगे। और इसे हाई फ्लेम पर हम आधा मिनट से 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे। वो बहुत अच्छी खुशबू, जब वो पक जाएगी ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये सब्जियों के लिए मैंने ना थोड़ा सा नमक डाला है। हमें याद होना चाहिए कि नमक सॉस में होते हैं, तो हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे नमक को अपने स्वाद अनुसार। और उसे हम देखिए हाई फ्लेम पर इस तरह से भूनेंगे। जब मसाले भून जाएंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आएगी, स्मोकी वाली।
जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो होती है ना, उस टाइप की। मैं इसमें विनेगर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपको अगर डालना है तो विनेगर इसमें डाल सकते हैं और अजीनोमेटो भी डाल सकते हैं। मैंने इस अजीनोमेटो का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर। और देखिए इस मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तब इसमें हम डालेंगे नूडल्स को और उसे हम मिलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने ना गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, हाई टू मीडियम रखा है, और इस तरह से हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए इसे मिलाएंगे। इसे इसी तरह हाई टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक सभी को एक साथ भूनेंगे। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी खिली खिली बनी हुई है हमारी हक्का नूडल्स की चाउमीन रेसिपी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी खुशबू के लिए धनिया पत्ता। आपके पास अगर स्प्रिंग ऑनियन है तो उसे कट करके डालिए। मैं यहाँ पर धनिया पत्ता डाल रही हूँ और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको सुबह या शाम जब भी भूख लगे आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। इसे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं, तो इसे अब हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें।